इसमें क्या ऑप्शन है? 300 BPS का है। आइए पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर बाद में उसके बारे में डिटेल बताता हूं। ये बॉक्स है इसका, ये देखो 300 MBPS वायरलेस एंड यूएसबी एडाप्टर, इसका टेक्निकल नेम भी लिखा हुआ है। अंदर से दिखाई देता है आपके व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की स्टिक रहती है, ऐसी 2 इंच की 1.5 इंच की। बॉक्स ओपन करेंगे, बॉक्स ओपन करने के बाद में यहां से मैं आपको बताता हूं, देखो उसके अंदर क्या क्या चीज है। ये बॉक्स बाहर निकाल लिया हमने, एक्सपेक्ट कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको, ये देखिए और क्या क्या चीजें इसमें होगी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जो है ये निकाल लिया हमने यूएसबी स्टिक को बाहर, इससे ब्लैक है, सामने से व्हाइट कवर है इसका, बराबर। देखिए ये देखिए, करीब से देखिए इसको, ज़ूम करके बताया था आपको, 300 MBPS टीपी ले। ये इसका ऊपर का ढक्कन निकाल दिए, कवर निकाल दिए, तो ये आपको यूएसबी एडाप्टर दिखाई दे रहा है। ये स्टिक है इसके साथ में, ये मेन यही डिवाइस है, ये तो खाली कवर है। उसके बाद में ये बुकलेट है, बुकलेट के अंदर गाइडलाइन रहती है किस तरह से आपने इसको यूज करना है, मैं आपको उसको ओपन करके बताता हूँ। विंडोज के लिए भी, मैक के लिए, विंडोज पर भी होता है, मैक पर भी होता है, हमारे पास विंडोज का लैपटॉप है उसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ये बुकलेट में भी है आपके पास, पूरी बुकलेट ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये दिख रहा है, विंडोज के लिए डायरेक्ट कंप्यूटर को लगा सकते हैं यूएसबी पोर्ट पे, या इसके साथ जो एक्सटेंशन केबल आई है उसमें लगा सकते हो, या इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ये WPS का भी काम करता है, जिसकी वजह से आप 8 to 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो किसी वाईफाई से। तो देखिए ये जो है, ये है WPS बटन जो आपके राउटर में भी रहता है, जो आपके राउटर को वाईफाई इनेबल करके देता है डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसकी सीडी, इसके साथ में सीडी आई हुई है, इसके अंदर में जो है WPS के ड्राइवर्स है, सॉफ्टवेयर है, ये जो डिवाइस है साथ में, तो ये इंस्टॉल करें तो ही फिर आपका WPS जो इनेबल होगा इस डिवाइस में बटन प्रेस करने के बाद। तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ एज वेल एज WPS इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले जो है, ये सॉरी एक्सटेंशन केबल थी इसकी मैं बताना भूल गया, डायरेक्ट अगर आप यूएसबी के लिए लगाएंगे तो आप ये केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस केबल को आप चार्जिंग के लिए या कहीं पर भी आपने यूज करना है वहां इसको आप यूज कर सकते हैं। आइए पहले हम क्या करते हैं, इसको हमारे लैपटॉप को जो है डायरेक्ट लगाकर देखते हैं। देखिए ये है मेरा लैपटॉप जिसका जो है वायरलेस खराब हो गया था, अब मैं क्या करूंगा इसमें यूएसबी में इसको इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि यूएसबी पर मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पे देखो लगाते से इसकी जो है लाइट ग्लिंग होना शुरू हो गई, ये प्लग एंड प्ले है, डायरेक्ट अगर आप लगा दें कोई मुश्किल नहीं, डायरेक्टली आपका काम करेगा, जो आपका राउटर है उसका वायरलेस डिटेक्ट कर लेगा और इसके वायरलेस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आइए मैं आपको लैपटॉप पर जो वाईफाई आइकन हो बता हूँ, देखिए ये वाईफाई का आइकन दिखाई दे रहा है आपको बैटरी के आइकन के बाजू में, हाँ तो ये वाईफाई है, देखिए इसके अंदर मेरा वाईफाई जो है, मेरा जो राउटर है वो कनेक्ट हो गया, ये वाईफाई से यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट हो गया आपको बिलिंग करता दिखाई देगा, ये नेटवर्क ले रहा है आपका डिवाइस डिटेक्ट हो गया है करके लिखा ना बिलिंग करके मैंने बताया। देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसका जो सीडी आई है हमारे पास में, सीडी ट्रे इसका बाहर निकाला मैंने, इसमें सीडी डाल देते हैं। अगर आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में फैसिलिटी है डीवीडी या सीडी की तो आप वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से आप कन्वर्ट करके पेन ड्राइव में लाइए और पेन ड्राइव का उसको इंस्टॉल करें। तो इसको इंसर्ट कर दिया, ये ऑटो रन है, ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसको मैंने थोड़ा कट कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। देखिए परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना 16, 18, 20, 22, 24, 31, 33, मैंने इसको कट कर दिया है, वैसे 90% तक ही जाएगा, 46 ये 90% तक ही जाएगा ऐसा। ये क्या कर रहे हैं देखिए, प्लीज वेट वाइल सेटअप इज वेरीफाइड, इंस्टॉल 77, 79, 84, 86, 92, 94, 96, ये हो गया इंस्टॉल होने के बाद में ये डिवाइस को डिटेक्ट करेगा, ये डिवाइस के लिए वो डिटेक्ट कर रहा है इसके अंदर, देखिए और डिटेक्ट करने के बाद में आपको रेडी टू यूज कर देगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर देखिए डिवाइस आ गए, अब ये जो WPS बटन में वहां पर प्रेस कर रहे होंगे ये ऑन हो जाएगा और इसका जो है 8 to 10 डिवाइस के आप डायरेक्टली डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर से हमने वाईफाई कनेक्ट करना है, इससे जो है अदर डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, मतलब आपके लिए एक एक्सटेंशन बन जाएगा और एक्सटेंशन से आपके दूसरे भी डिवाइसेस जो कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने आपको आज जो है अनबॉक्स करके दिखाया है, कैसे अनबॉक्स किया है देखिए, दिख रहा है कनेक्ट हो गया मैं। अनबॉक्स करने के बाद में क्या क्या चीजें उसके साथ थी वो बताया मैंने, कनेक्ट करके आपको लैपटॉप से बताया, डायरेक्ट यहाँ पर यूएसबी के
तो ये था हमारा आज का वीडियो, TP-Link इनबॉक्स 300 Mbps वायरलेस एंड यूएसबी रिपीटर। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना।